जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर खत्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। 18.4 ओवर में इंडिया का स्कोर 90 पर 3 विकेट। सचिन सौरव और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज बल्लेबाज से भरी टॉप ऑर्डर धाराशाही हो चुकी थी। अपने दूसरे इंटरनेशनल मैच में खेल रहे 18 साल की युवराज सिंह क्रीज पर आए। ऑस्ट्रेलियन टीम की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने इस नौजवान ने 84 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को 20 रन से मैच जिताया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद जब वो अपने करियर के पीक पे थे, तब 29 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हो गया। ये बीमारी किसी को भी पूरी तरह से अंदर तक तोड़ दे, लेकिन ऊपर वाला एक कहानी लिख रहा था, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक इंसानों को प्रेरणा दे। युवराज सिंह ने कैंसर को हरा कर इंडियन टीम में कमबैक किया और अपने ओडीआई करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया। इस कहानी के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा, युवराज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1981 को पंजाब के चंडीगढ़ शहर में हुआ। पिता योगराज सिंह एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और एक बॉलीवुड एक्टर हैं। मां शबनम सिंह एक हाउसवाइफ हैं। पिता ने इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच खेला था, इंजरी के कारण उनका करियर खत्म हो गया। जब युवराज का जन्म हुआ तो पिता को लगा उनका अधूरा सपना अब उनका बेटा पूरा करेगा। उन्होंने उसी वक्त ये ठान लिया था कि अपने बेटे को किसी भी हाल में क्रिकेटर बनाना है। 7-8 साल की ही उम्र से पिता युवराज को लेदर बॉल से ट्रेनिंग कराते थे। माँ कहती भी थी कि अभी बच्चा छोटा है, इसे चोट लग जाएगी, लेकिन पिता नहीं रुके। युवराज को क्रिकेट में उतनी खास दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें इंडोर गेम्स ज्यादा पसंद थे, खासकर स्केटिंग। 10 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जीता था। जीत में मिले गोल्ड मेडल को पिता ने फेंक दिया और सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करने को कहा। एक बार योगराज जी युवराज को पटियाला के महारानी क्लब ले गए। वहां योगराज जी ने अपने दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा, जरा देखकर बताओ मेरा बेटा कैसा क्रिकेट खेलता है। सिद्धू ने युवराज की बैटिंग देखकर कहा, ये लड़का क्रिकेट के लिए नहीं बना है। ये बात योगराज जी के दिल पे लगी। उन्होंने सोच लिया कि अब तो मैं इसे क्रिकेटर बना के ही मानूंगा। पिता ने युवराज से और भी इंटेंस ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र में बिन हेलमेट फास्ट बॉलर्स के सामने बैटिंग करवाते थे। देखा जाए तो पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, उनकी एक जिद थी, जिद युवराज के थ्रू अपना सपना पूरा करने का। उस वक्त घर के लोग और यहाँ तक युवराज को भी लग रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन पिता की बोई बीज और युवराज की ही दृढ़ मेहनत ने इंडियन क्रिकेट टीम को 2 वर्ल्ड कप जिता के दिए। युवराज ने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से की। बहुत ही जल्द उन्होंने जूनियर लेवल का क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में युवराज पंजाब अंडर 14 और अंडर 16 टीम के लिए खेल रहे थे। धीरे धीरे उनको भी ये गेम पसंद आने लगा। 1995-96 सीजन में जम्मू एंड कश्मीर अंडर 16 के खिलाफ मैच में युवराज ने 279 रन बनाए। जम्मू एंड कश्मीर टीम की दोनों इनिंग्स के टोटल स्कोर से 65 रन ज्यादा। अच्छे ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए साल 1995 में पिता युवराज को मुंबई ले आए। वेंगसरकर क्रिकेट अकेडमी में उनका एडमिशन करा दिया और अपने दोस्त दिलीप वेंगसरकर से युवराज पे ध्यान देने को कहा। मुंबई में युवराज अंधेरी में रहते थे और अकेडमी चर्च गेट में थी। रोज सुबह उन्हें उस भारी किट बैग को लेकर मुंबई की लोकल ट्रेन से अकेडमी जाना पड़ता था। शुरुआती दिनों में इतनी भीड़ को देखकर युवराज परेशान हो जाते थे, लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन युवराज ने प्रैक्टिस ना किया हो। पंजाब अंडर 19 टीम में उन्हें शामिल किया गया, लेकिन युवराज अपने टैलेंट की पूरी पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे थे। उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं था। 1997-98 रणजी ट्रॉफी में उड़ीसा के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इनिंग्स ओपन करते हुए वो 0 पे आउट हो गए। उन्हें एक बड़े परफॉर्मेंस की जरूरत थी। ये परफॉर्मेंस 1999 कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में आया। ग्राउंड का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां युवराज ने शॉर्ट्स ना खेला हो। जमशेदपुर में खेले गए बिहार के खिलाफ उस मैच में युवराज ने 358 रन बनाए, बिहार के टोटल स्कोर से 1 रन ज्यादा। इस परफॉर्मेंस के बदौलत 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हुआ। इंडिया के जीत में युवराज का ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। बल्ले से 203 रन और बॉल से 12 विकेट्स लिए। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और उसी साल के 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के लिए उन्हें सीनियर इंडियन टीम में शामिल किया गया। 3 अक्टूबर 2000 को कीनिया के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर धाराशाही हो चुका था। महज 18 साल की उम्र में अपने दूसरे ही वनडे इंटरनेशनल्स में युवराज ने ब्रेटली मैग्रा से लैश बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 84 रन बनाया और इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया, जिसकी वजह से इंडियन टीम 20 रन से मैच जीत पाई। इस इनिंग्स ने दुनिया को एक ऐसा खिलाड़ी दिया
जो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों जगह अपने फाइटिंग स्पिरिट से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। 2002 नेटवेस्ट सीरीज में मोहम्मद कैफ के साथ वो 121 रन की पार्टनरशिप जिसने इंडिया को क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पे ये ऐतिहासिक मैच जितवाया। 16 अक्टूबर 2003 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट में युवराज का बोल बाला नहीं था, जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में था। इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला गया तो युवराज सिंह ने 12 बॉल पे अर्धशतक जड़ दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर को 6 बॉल पे 6 छक्के मारे और इंडियन टीम को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। यहां से इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवराज सिंह को व्हाइट बॉल का स्पेशलिस्ट माना जाने लगा, वो भी एक ऑलराउंडर के तौर पे। टेस्ट मैचेस में लगातार उनका बुरा परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन व्हाइट बॉल के वाइस कैप्टन के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन और बेहतर होता गया। साल 2008 में राजकोट में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच तो आपको याद ही होगा। बैक पेन होने के बावजूद युवराज ने बैटिंग किया, गौतम गंभीर उनके सब्स्टिट्यूट रनर थे। उस मैच में युवराज ने 78 बॉल्स पे 138 रन बनाए। इन परफॉर्मेंसेस के बाद इंजरीज और फिटनेस इश्यूज के कारण उनका फॉर्म लगातार गिरता गया। साल 2010 के आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी उनका फॉर्म अच्छा नहीं था। उसी टूर पे उन्होंने देखा कि सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप की तैयारी में वो इतने मशरूफ हो गए कि अपनी इस बीमारी को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। कहा अभी वर्ल्ड कप जरूरी है। बड़ा प्लेयर बड़े स्टेज के लिए बना होता है। बुरे फॉर्म से लौटने के बावजूद इस टूर्नामेंट में युवराज को 4 मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में बैटिंग के दौरान उन्हें कई बार खून की उल्टियां हुई। अंपायर ने पूछा, आप ठीक हो, आप बाहर जाना चाहोगे? युवराज ने कहा, 2 साल में पहली बार मैं शतक के इतना करीब आया हूँ। अगर मैं बेहोश हो जाता हूँ तब मुझे हॉस्पिटल ले जाना, लेकिन तब तक मैं खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बॉलिंग करते हुए 4.4 की इकोनॉमी से 3 विकेट झटके और बैटिंग में 57 रन नॉट आउट बना के इंडिया को 5 विकेट से मैच जितवाया। फाइनल्स में श्रीलंका के खिलाफ धोनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया। 29 साल की उम्र में युवराज अभी अपने करियर के पीक पे थे, लेकिन ऊपर वाले की कलम कुछ और ही कहानी लिख रही थी। यहां से इस कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। 2011 वर्ल्ड कप तो इंडिया ने जीता, लेकिन उस सेलिब्रेशन के दौरान जब प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर थे तो नीचे दबे युवराज सिंह को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। उस वक्त उनकी जान भी जा सकती थी। अब भी उन्होंने उस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया और टूर्नामेंट के बाद वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड मैचेस खेलने गए। साल 2011 के आखिर में जब उन्होंने अच्छे से डायग्नोज कराया तो उनके लेफ्ट लंग में कैंसरस ट्यूमर था। डॉक्टर्स ने कहा, सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास। ये ऐसा बीमारी होता है जो इंसान को अंदर तक तोड़ दे, लेकिन युवराज सिंह एक फाइटर हैं। US जाके उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, दुआ और दवा से पूरी तरह से ठीक होके वापस इंडिया आए। डॉक्टर्स ने कहा, आपको वही फिटनेस दोबारा गेन करने में 2 से 3 साल लगेंगे। युवराज ने ट्रेनिंग करना शुरू किया और सिर्फ 5 महीने बाद इंडियन टीम में कमबैक किया। उन्होंने कमबैक तो कर लिया था, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 21 बॉल में सिर्फ 11 रन बनाए। सभी कहने लगे युवराज को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन युवराज ने मेहनत में कभी कोई कमी नहीं की। उन्हें एक बात पता था, अगर ऊपर वाले ने उन्हें बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया होगा। कैंसर से ठीक होने के बाद युवराज ने UVCAN नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोला, जो कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिलवाने में मदद करे। साल 2015 में उन्होंने UVCAN को एक्सपेंड किया और जब सबको लगा उनका करियर खत्म है तो जनवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन मारा, वनडे इंटरनेशनल्स में अपना हाईएस्ट स्कोर। 10 जून 2019 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। IPL के पहले 2 सीजन में युवराज ने किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला, 2014 में RCB और 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए खेला। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपनी जिंदगी से अब तक हजारों लोगों को प्रेरित किया। 2002 से 2012 के बीच इंडियन क्रिकेट टीम के सुनहरे दशक को सुनहरा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतने बड़े बीमारी से लड़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो हम लोग प्रे करते हैं युवराज आगे जो भी करें उसमें उन्हें सक्सेस मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।